रुपए के अंदर आज जीनियस नाम से के पिटारो खुल्यो है। अब की बार सीकर को जो रिजल्ट है देश में सबसे सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट है वो सीकर सेंटर को रिजल्ट हो। 51 लाख रुपए का इसको नाम दिया जाएगा और आज का ताकि हम देश के हर कोने से खासतौर पे ग्रामीण बच्चों को कहीं के ढूंढने जाएं और उनको तराशने का काम करें और उनकी प्रतिभाओं को आगे लेके आए। देश में बहुत सारे सेंटर्स कोचिंग इंडस्ट्री के होते हैं, उनमें सबसे प्यारा रिजल्ट था, तो हम लोगों को कहीं कि बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस भी मिला, बहुत अच्छा फील भी हुआ कि वाकई में हम लोग बहुत अच्छा सा काम कर रहे हैं। फिर हम लोगों को थोड़ा सा आभास ये भी हुआ कि हम लोग एक छोटे से रीजन में काम कर रहे थे, छोटे से का मतलब राजस्थान और हरियाणा और थोड़ा बहुत बेटर वो पंजाब को कवर करते हैं, तो हम लोगों ने ये जो एक एनालिसिस हुआ उसकी बदौलत हम लोगों के ख्याल में भी आया कि यार हम लोग इस चीज को कहेंगे देश के हर कोने में लेके जाए ताकि जो हमारे एरिया की प्रतिभाएं जो आज के दिन आगे निकल रही है, आगे आ रही है, ऐसी प्रतिभाएं देश के कोने में बहुत जगह बैठी है, तो हम लोग उनके लिए भी काम करें। तो हमारा इस एक टैलेंट कम स्कॉलरशिप एग्जाम हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं जिसका नाम गुरुकृपा जीनियस है, जिसमें हमारा मकसद यही है कि हम लोग जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको पहचाने, उनको कहें कि हम रिवार्ड दें, अवार्ड दें, प्लस कुछ अभाव ग्रस्त बच्चे भी है जो कहें कि पढ़ना चाहते हैं, प्रतिभाएं अच्छी है लेकिन पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनका फैमिली बैकग्राउंड उनको सपोर्ट नहीं करता। तो हमारा इसके पीछे मकसद ये भी है कि हम उन बच्चों को कहें कि ढूंढें, उनको तराशने का काम करें और उनको स्कॉलरशिप के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करें। तो जो सीकर एक देश के मैप पे आज एक हाइट सीकर ने बनाई है, उस हाइट के मद्देनजर हम लोग कहेंगे देश के हर कोने में काम करने जाए, इसी सोच के लेके हम ये एग्जाम आज इनोग्रेट कर रहे हैं, एग्जाम का शुभारंभ कर रहे हैं और ये एक बार तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और अच्छा सा हम लोगों को रिस्पॉन्स मिलेगा तो आगे हम लोग इसको और भी एक्सपांड करने का हमारा इरादा है ताकि हम देश के हर कोने से खासतौर पर ग्रामीण बच्चों को कहेंगे ढूंढने जाए और उनको तराशने का काम करें और उनकी प्रतिभाओं को आगे लेके आए और उनको सेलेक्ट कराएं। हमारा इस एग्जाम के पीछे विजन यही है। तो ये मैंने थोड़ा सा पूरा इस एग्जाम का आपको लोगों को रूपरेखा बताया, आप सब पधारे इसके लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार। के पिटारो खुल्यो आज? पिटारो पे तो कोई नयो पिटारो को नहीं खुल्यो। हाँ। तो मैं एक चीज पर काम पे लूं भी करा, मारो एक मकसद यही है कि जगह ग्रामीण परिवेश का जगह टावर ही जेका अभाव के कारण सुकून पढ़ पावे, बाने गुरु कृपा सपोर्ट करे। अब ये सहयोग को माध्यम आज तक तो इतने को चल रहे है कि कोई मारो पुरानो पेरेंट्स अच्छो शुभचिंतक है वो कोई कहीं के बिन पतो है कि गुरु कृपा यहाँ सहयोग करे तो वो आपके गांव या आपका कोई भी संबंधी कोई भी जानकार है वो इस तरह को बच्चों है तो वो मार्कन लेके आवे, रेफरेंस लगा। हाँ, और भी रेफरेंस में भी हमेशा सहयोग करता रहा। एक बच्चो आपकी बार नीट के अंदर भी जो है नीम का थाना हुआ जको मतलब मैं भी बाकी परिवारों में पर्सनली जा बातचीत करी तो बाकी स्थिति तो ये साबरी कोनी है कि बे मतलब नीट का अंदर प्रिपरेशन कर सके, लेकिन बठू मन जानवा मिले कि गुरु कृपा को बहुत बड़ो रोल भी जगह अंदर नहीं। मैं हमेशा मारो प्रयास रहे कि या की जगह प्रतिभा है बे कोई भी माध्यम के थ्रू आवे, मैं भी ले रहा हूं जनार निश्चित तौर। तो वो एक हमारो चैनल बनेडो है कि बे ई माध्यमो मार्गन कोई भी टावर आवे तो मारो पूरो पूरो एक मैनेजमेंट है वो फैसलो कर ले कि वो बच्चों वाकई में इन पढ़ानो पढ़ोगे अपन, तो हमें पढ़ाता रहा। तो वो तो एक मतलब एक रेंडम तरीको होगो। अब इस चीज ने मैं थोड़ा सा ऑफिशियल पैटर्न लेके आना चाह रहा कि आ रेंडमनेस ही इन थोड़ी सी खत्म करके और ऑर्गेनाइज करा, इसलिए मैं ये एग्जाम ने कंडक्ट करा रहा। तो इको मारो मकसद है कि जो भी बच्चा यहाँ का जगह अभावग्रस्त ही जगह पढ़ने में थोड़ा सा सक्षम को नहीं भाई एग्जाम न दी, ये एग्जाम न देगा तो निश्चित तौर पे मारो कहीं के वे जुड़ गया तो भी की जैसी परिस्थिति है भी के हिसाब से मैं कहीं कहीं फैसलो लेंगा और भी के हिसाब से भी मैं आगे लाकर पढ़ाने की कोशिश करूंगा। थे भी सुने उसी मीडियम काफी आबाद चर्चित रही कि अब की बार सीकर को जो रिजल्ट है वो जैसे देश में कोटा बहुत बड़ो नाम है बी की तुलना में बहुत बेहतर है और देश में सबसे सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट है वो सीकर सेंटर
मैं आपकी बार नीट को रिजल्ट हो। हालांकि वो माने भली बात ही पहली भी पता हो कि बहुत अच्छा रिजल्ट सीकर को रहे, लेकिन वह आम जना का पूछ को नहीं पारी। लेकिन ई कवरेज सो कहीं कहीं हर लोगों के नज़र में सीकर आयो, तो हर लोगों को कहीं कहीं बड़ो एक सस्पेंस है यार सीकर में या को क्यों है कि इतना प्यारो रिजल्ट बना है। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि ई बाने कहीं कहीं सीकर की एक पहुँच हर आम आदमी तक आसान हो जाए, तो जो प्यारो रिजल्ट कटे कटे एरिया में लोग प्रोड्यूस करा वो कहीं कहीं नेशनल लेवल पर प्रोड्यूस करने लग जावा। तो ग्रामीण अंचल की जो प्रतिभावान प्रतिभाएं हैं वह तो हर जगह ही मौजूद ही। तो ई लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं कुछ और स्टेट में भी कहीं कहीं यहाँ का बच्चा सर्च करा बन पढ़ाने जावा। बिल्कुल बिल्कुल। ये सौरभ है हमारा, इसके बारे में बताऊँ। सौरभ को हम हमारा एक बच्चों को सीधा टास्क होता है कि जो गुरुकृपा में पूरे इंडिया में फर्स्ट रैंक लेके आएगा उसको 51 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और ये बच्चा जो था इसने पिछली बार फर्स्ट रैंक अचीव की, और गुरुकृपा इसको जब भी उत्सव का हमारा कार्यक्रम होता है जिसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम होते हैं उसमें इसको 51 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। ये बच्चों के प्रोत्साहन के लिए ही ये पूरा काम होता है। हमारा जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट के अंदर सब बच्चों को ये प्रोत्साहन बहुत आगे तक ले जाता है। तो हम जो गुरुकृपा जीनियस का हमारा एग्जाम है ये जरूर पूरे इंडिया में गुरुकृपा को आगे ले जाएगा और बच्चों को भी आगे ले जाएगा। तो 51 लाख रुपए का इसको इनाम दिया जाएगा और आज का ये केक सेरेमनी कार्यक्रम भी इसी के हाथों से करवाया जाएगा। ये फर्स्ट रैंक है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। तो बाकी सब बच्चे, ये सब अच्छे बच्चे हैं, सबके 715 मार्क्स अचीव कर रखे हैं इन्होंने, एक ही नंबर से पीछे हैं, वरना तो ये भी 51 लाख ले जाते हैं। केयरिंग का जो कल्चर है और जो ग्रामीण अंचल के बच्चों को 720 तक ले जाने का जो सफ़र है, उसी सफ़र को हम सीकर राजस्थान से बाहर कुछ अलग स्टेट में भी लेकर जाना चाहते हैं, जिसमें हम राजस्थान पे तो मुख्यतः काम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम 6 अलग अलग स्टेट में जा रहे हैं, जिसमें हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है और दिल्ली NCR है। मुख्यतः अपन जानते हैं कि ये जो नॉर्थ इंडिया के जो ये स्टेट है इनमें भी कहीं ना कहीं राजस्थान जैसा ही कल्चर है। ग्रामीण अंचल का बच्चा ज़्यादा है, मेहनती बच्चा ज़्यादा है, तो उन्हीं बच्चों को गुरुकृपा का जो सशक्त एक मंच है वो हम इस एग्ज़ाम के माध्यम से प्रदान करने जा रहे हैं। और आपने देखा होगा, आप देख भी सकते हैं कि जो जीनियस लिखा हुआ है, जीनियस की अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो उसमें जी से आपको दिख रहा होगा कि गुरुकृपा आ रहा है। गुरुकृपा नेशनल एग्जाम ऑफ इंटेलिजेंट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, यानी ये एग्जाम है वो क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए हमने इसको पूरा प्रोग्राम किया है। मुख्यतः ये 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए रहेगा। इस एग्जाम में हम मुख्यतया 51 लाख के कैश प्राइजेस बच्चों को देने जा रहे हैं। रैंक 1 से लेके 500 रैंक तक वाले बच्चों को कैश प्राइज देंगे, साथ में हम 51 करोड़ की स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बुढ़ानिया सर का एक कहीं ना कहीं विजन है कि अच्छे बच्चों को नहीं पढ़ाना है, ऐसे अभावग्रस्त बच्चों को भी पढ़ाना है, तो हमें ये स्कॉलरशिप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक देनी है। तो उसमें हम जितने भी अभावग्रस्त बच्चे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, उनको हम 7000 रैंक तक वाले बच्चों को लगभग अप टू 100% स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं, और 1 लाख बच्चों को हम अप टू 90% तक की स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं। और मेनली हमारा इसमें रैंक 1 में हम लगभग 1 लाख रुपए का प्राइस देंगे, और हमारा जो 500 तक रैंक का बच्चा होगा उसको भी हम कहीं ना कहीं एक कैश प्राइजेस देंगे, प्लस जितने भी क्लासेज में 500 बच्चे जो रैंकर होंगे, तो टोटल हम 3500 बच्चों को या एक बड़ी अवार्ड सेरेमनी के अंदर हम उनको ट्रॉफी भी देंगे, और इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले सभी बच्चों को हम सर्टिफिकेट के थ्रू उनको पूरा अवार्डेड सम्मानित करेंगे एग्जाम के तहत, ताकि कहीं ना कहीं गुरु कृपा की जो खुशबू है
है ना, यहाँ जो कैरिंग कल्चर है वो बहुत ही यूनिक लगता है मुझे। सबसे अच्छी बात यही कि ये कि यहाँ बच्चे को तराशा जाता है, ऐसा एक एवरेज सा बच्चा आता है, उस पर पूरी मेहनत की जाती है, उसको पूरा एक पेरेंटल सपोर्ट मिलता है। उसी कैरिंग कल्चर को हम अलग अलग स्टेट तक लेके जाएंगे। तो राजस्थान में ये एग्जाम है वो 6 अक्टूबर को होने जा रहा है, और पंजाब और हरियाणा और अन्य स्टेट में ये एग्जाम है वो 13 अक्टूबर को होने जा रहा है। तो मुख्यतः इस एग्जाम में 1 घंटे का ये एग्जाम होगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, मेंटल एबिलिटी के लगभग इक्वल 60 क्वेश्चन आएंगे। ये एग्जाम है वो हिंदी और अंग्रेजी मीडियम दोनों बच्चों के लिए। तारण जी को अब की बार जो नीट को रिजल्ट है वो गुरु कृपा के अंदर ही एक बच्चो है जो को नीट के अंदर 720 नंबर ला रहे, जो एक कीर्तिमान जी को स्थापित करियो है, जो की जो जी पर्पस प्रोग्राम जो शुरू गया वो पर्पस की एक नींव जगह बिजाऊ शुरू हुई है, जो की अपने सामने है आगे यो जो प्रोग्राम है, यो जो एक एक शुरुआत जगी गई है, जिस अपन आगे रिजल्ट जी को देखने के लिए मिलो को बिल्कुल के जो ग्रामीण तबका का बच्चा है, जो आर्थिक स्थिति रूप थोड़ा कमजोर हो, जाने एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा, जाने की जानकारी जब तक नहीं पहुंच पावे कि कोई जानकारी लगा रहा आप जो को एडमिशन वगैरह आर्थिक स्थिति में कमजोर अगर वे करवा पाओ बा नहीं हो पाओ, बस सारी चीज ने एक पग लाग बा की एक शुरुआत जी के ऊपर कर पाऊ आज हुई है। पूरा जो पूरा कॉन्सेप्ट है जी को आप कॉन्फ्रेंस के अंदर समझा बात चीज थार तक भी पहुंचाऊंगा। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर जो थारो प्यार चैनल के साथ बनाए रख जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।